का स्वागत है मेरे और एक न्यू ब्लॉग में। बता दूँ आज हम लोग जाने वाले हैं बेलूर मार्ट। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभी हम लोग बेलूर मार्ट का जाने खातिर हम लोग सालकिया चौस्ता से बस धरेंगे। बस धरने का बाद और हम लोग बेलूर मार्ट पहुँचेंगे। पहुँच के आपको बेलूर मार्ट में सब कुछ ये मतलब बताते हैं क्या क्या होता है बेलूर मार्ट में, क्या क्या देख सकते हैं हम लोग और क्या क्या नज़ारा है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा है। आपको लगभग अभी 4:30 बज चुका है, हम लोग जल्दी से जल्दी जाके आपको वहाँ पर बेलूर मार्ट में मिलते हैं। हेलो, अभी हमने सलके चौस्ता आ चुके हैं और अभी हमने बस आने का वेट कर लिया। ठीक है, आपको बस मिलते आपको वीडियो पहले से कंटिन्यू कर दिया। बस आ चुका है, अभी हम लोग बस में चढ़ के वीडियो आपको बेलूर मार्ट से कंटिन्यू करते हैं। बस से जस्ट उतरे हैं कि आप लोग मेरे तरह हो तो आप लोग बस से भी आ सकते हो बेलूर मार्ट और आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हो, मतलब जिससे जैसे आप लोगों को सुविधा मिलेगा आप लोग वैसे आ सकते हो। आपको सबसे पहले ये बता दूँ, ये बस स्टॉप है, यहाँ पर आके बस रुकता है। और आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि कौन कौन सा बस आते हैं। एक हो गया 10 नंबर बस और दूसरा हो गया 11 नंबर बस। मेरा मानना है काफ़ी सारा बस से आप लोग यहाँ में बस से आना, आपको बेलूर मार्ट का बगल में उतारेगा, बगल में बेलूर मार्ट है, आपको पहुँच के वहाँ पर अंदर में बताते हैं। जैसे कि आपको दिखाया है वहाँ पर बगल में हम लोग को बस उतारा था और बगल में हम लोग का बेलूर मार्ट था, आपको दिखा रहे हैं बेलूर मार्ट। यहाँ से रुक के आगे में बेलूर मार्ट है, वहाँ पर से वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको हम बताए थे कि यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको ये बगल में बेलूर मार्ट का अंदर एंट्री करना पड़ता है। और एक बात आपको बता दूँ कि बगल में यहाँ हम लोग को गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आप चाहे बाइक लेके आए या कुछ भी मतलब कार पर, तो यहाँ बगल में पार्क करने के बाद और आपको अंदर पहुंच के आपको सब कुछ बताते हैं क्या क्या मतलब लग रहा है, क्या कुछ नहीं लग रहा वो भी बताते हैं। हाँ, और एक बार आपको ये बता दूँ कि ये मतलब इसमें कुछ भी देख लेना तो अंदर में जे जे है वो आपको दिखा पता चल जाएगा। एक बात आप लोग को ये बता दूँ कि मतलब सबसे पहले आपको यहाँ घूमना होगा तो सबसे पहले आपको मैप देखना पड़ेगा। मैप देख लीजिएगा, देखने के बाद मतलब हर एक जगह तो हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन आपको इतना बता सकते कि ये मैप देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। जैसा कि आपको हम बोले थे मैप में दिखाए थे कि हम सब हर जगह तो दिखा नहीं सकते। हाँ, एक बात ये पीछे में एक मंदिर है जो राम कृष्णा की मंदिर है बगल में, और उसका मतलब तो फोटोग्राफर होता ही नहीं है, तभी भी हम आपको घूर के मतलब सब कुछ बताते हैं। अंदर में तो पता है आपको फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए आपको हम सब कुछ मतलब बताते हैं धीरे धीरे सब। तो बात आप लोग फैमिली का संग आने चाहते हो तो ये परफेक्ट जगह है बेलूर मार्ट, आप फैमिली का संग आ सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ घूमे ना मतलब थोड़ा सा भी गंदगी नहीं था, इतना अच्छा जगह था ना यार, क्या बताओ आप लोग को, बहुत अच्छा जगह था। आपको मतलब थोड़ा बगल से आके आपको मिलते हैं। देवी की मंदिर है, यहाँ देख सकती हो आप ऊपर, अंदर में तो फोटो अलाउ नहीं है लेकिन आपको ऊपर से हम सब कुछ दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि हम मंदिर में फ़ोटो अलाउ नहीं है, लेकिन वो कोई भी मंदिर में फ़ोटो मतलब इस जगह फ़ोटो शूट करना अलाउ ही नहीं है। और आपको ये सभी बता दूँ मतलब इतना अच्छी जगह ना, हाँ एक बार घूम के नहीं दिखाया आप लोग को, हाँ लेकिन आपको वीडियो बाहर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर लॉन्च घाट है, आप लोग यहाँ से कभी भी लॉन्च ले सकते हो जाने के लिए। अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकल के आपको मिलते हैं। देखिए आपको बोले थे वो वाला गेट था, देखिए वो वाला सेकेंड वाला गेट था, ये वाला फर्स्ट वाला गेट है जो हम लोग बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने के बाद हम लोग को तो बहुत भूख लग रहा है, अभी हम लोग कुछ खा के आपको मिलते हैं। वहाँ से मैं खा के निकल गया, बगल में रंगोली मॉल है। और आज आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और एक लाइक ज़रूर करना। आज वीडियो अगर पूरा देखी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही।